our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like. हेलो, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग मीनूज़ गुड लाइफ। तो आज शाम को मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले, और बेसन के चीले के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेसन। बेसन में मैंने थोड़ा सा धनिया कट करके डाला है, दो तीन हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, और एक छोटा सा प्याज भी कट करके डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्च स्वाद के अकॉर्डिंग। ये देखिए रेड चिल्ली पाउडर मैंने डाल दिया है, और ये थोड़ा सा मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया। बस अब इसको मैं पानी के साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने पानी की हेल्प से इस तरह से घोल बना लिया है। घोल थोड़ा पतला करना है, गाढ़ा रहेगा तो पकोड़े बन जाएंगे आपके, लेकिन अभी हमको चीला बनाना है। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा एक चम्मच ये सूजी, इसको ऐड कर रही हूँ मैं। बस ये झटपट से बन जाने वाले कुरकुरे चीले बन जाएंगे आपके, खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तवा रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और बस इसको बना के हम खा लेंगे। ये देखिए इसको तवे पे डाल के इस तरह से हमें छोटे छोटे से चीले बना लेने हैं। पलट देना तो ये हमारे झटपट से चीले बन करके रेडी हो गए। इसको आप चटनी के साथ, चाहे सॉस के साथ, कैसे भी खा सकते हैं, और ये देखो कितनी जल्दी बन जाते हैं। ऊट पटांग भूख के लिए बहुत ही अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, कुरकुरे हैं और हेल्दी भी हैं। तो ये देखिए खाने में जितने टेस्टी हैं, बनाने में उतने इजी।